जिगर के छल्लो दही बल्लो, स्वागत है आपका नई वीडियो में। सो यो व्हाट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं बीबी की वाइंस के ढिंडोरा पे रिएक्शन। आई नो यू गाइस लव माय मीम रिएक्शन सीरीज, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेट्स गो। ओके, पहला मीम है, एज सून एज न्यू आईफोन अराइज आईफोन यूजर्स बी लाइक इधर चीरा मार, चीरा निकाल निकाल निकाल, एक 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 किडनी ले ले मेरी और दे दे मुझे आईफोन। टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों का बीबी की वाइज का फेवरेट कैरेक्टर कौन है मैं बताऊं? ओह यार, समीर मेरा फेवरेट है। ओके नेक्स्ट, व्हेन माय फ्रेंड कैंसल्स गोवा ट्रिप एट लास्ट मोमेंट। I am coming बोल के आते नहीं थे। I am coming बोल के आते नहीं है, सही बात है। मैं तो अभी गोवा होके आया हूँ, बाबा के साथ गया था भाई, दोस्तों के साथ ही गया था, वो बोलते ही रहते हैं ट्रिप ही नहीं बनता, बनता ही नहीं है हमारा प्लान जाने का। ये दोस्त लोग ना सिर्फ बीटी बीटी देते हैं, गोवा जाने का प्लान करते तो है पर गोवा कभी चलते नहीं है, तो इसलिए माँ बाप के साथ चले जाना चाहिए, सेफ सुखी ऑप्शन। माँ बाप को जाके पूछो, मम्मी पापा मैं गोवा जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। बट आप माँ बाप के साथ जाओ, मम्मी पापा चलो गोवा चलते हैं, हाँ हमारा बेटा हमारे साथ गोवा जाएगा। वाह वाह, निंजा सैवेज टेक्निक गाइस, सैवेज। ओके नेक्स्ट मीम, मी ईटिंग पिज्जा माय जिम ट्रेनर। ए रख वापस नीचे रख। वैसे यहाँ पर होला के चेहरे की जगह पता क्या ऐसा बीवी की बीम्स नहीं हो चाहिए, यहाँ पर डॉली बिंद्रा की शक्ल हो चाहिए। बाप पे जाना नहीं, नीचे ना किसे। मजाक सेट के वही होना चाहिए था यहाँ पर, तो मीम बेस्ट सूट करता, लाइक बेस्ट 100%। मी आफ्टर एंटरिंग द एग्जाम हॉल, गजनी हो गए। एक बार ये वापसी देखेंगे, माय ब्रेन व्हेन आई एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, मेरा ब्रेन उधर कह रहा है गजनी हो गए। और जो लोग मेरे दोस्त जो मुझसे आंसर पूछना चाहते हैं वो भी गजनी हो गए, बट ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं टॉपर था भाई, मैं अपने सारे दोस्तों को पढ़ाता था, अपने सारे दोस्तों को पास कराता था, मैं बहुत अच्छा क्यूट बच्चा था, पर कभी कभी मैं ऐसे होता था मैं बताता भी था और मैं कहता था भाई मेरे को तो आते नहीं, और मेरे फुल मार्क्स आते थे, तेज भी था मैं। व्हेन मॉम सेज वही रखा है एंड आई से मुझे तो नहीं दिख रहा, तुझे मेरा हाथ में चप्पल दिख रही है? नहीं लेकिन है। अरे ये वाला सीन बहुत अच्छा था, तुझे मेरे हाथ में चप्पल दिख रही है? नहीं लेकिन है। ये तो सच बात है भाई, मेरे साथ फैक्ट है। अब सर्दियों में तो सबसे ज्यादा होता है, मम्मी सॉक्स नहीं मिल रही, उसके बाद मम्मी कहते हैं वहीं रखी है टेबल पे, मैं कहता हूँ टेबल पे नहीं दिख रही, फिर मम्मी आती है हाथ पे, मतलब मम्मी को जादू मंत्र करती है और जादू आ जाएगी। अब देखो जैसे तुम्हें मेरे हाथ में आलू भुजिया दिख रही है? नहीं दिख रही ना, मगर है और मैं खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे भुजिया खानी थी, आइडिया अच्छा मिल गया। ओके नेक्स्ट, मी ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन इन माय लाइफ। तो यहाँ पर मेरा दिमाग है बीबी की वाइंस और मेरा दिल है बीबी वाइंस के पापा जी जो खुद बीबी की वाइंस है, समझ रहे हो दोनों सेम ही है। मतलब समझ लो, जो बीबी है वो मेरा दिमाग है और जो बबलू जी है वो मेरा दिल है, और मैं ऑटो ड्राइवर हूँ और मैं बोलने वाला हूँ अरे राइट से लो यार, लेफ्ट से ले लो, राइट से लो, लेफ्ट से ले यार, राइट से लो, लेफ्ट ले, राइट से लो यार, लेफ्ट ले रहा कि नहीं बेटा, धमका मत उसको, तू राइट से ले ना। सच बात है, जेन्युइन बोल रहा हूँ, सच बात है, मेरी जिंदगी में तो सबसे ज्यादा है, मेरा दिल कहता है इस सड़क पे नहीं जाना और मेरा दिमाग कहता है साले तू यहीं जाएगा, मतलब तू यहीं जाएगा, ये और ये कभी मिलते ही नहीं है, जब ये मिलने लग जाए ना इंसान तरक्की करता है, ये तो फैक्ट है, ऐसे तरक्की आसमान में चढ़ जाता है। मतलब तुम लोगों को भी ना बहुत ही अच्छी ज्ञानी बाबा अभिषेक की तरफ से ज्ञान ले लो आज का, दिल और दिमाग को एक ट्रैक पे लाने का, दिल की नहीं सुनने का, दिमाग की सुनने का, पर दिमाग जो डिसीजन लेगा वो सही समय लेगा, ऐसे ही होता है। मैं चल रहा हूं तो मेरा दिमाग कहता है यहीं जाना है, दिल कहता है यहाँ जाना है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लड़ाई होती है, सही हमेशा दिमाग होता है, दिल की नहीं सुनना दोस्तों, दिल का क्या है, दिल तो पागल है। बहुत ही सेंटी हो गया आज का, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। पेरेंट्स सीइंग माय रिपोर्ट कार्ड, क्या बकवास है, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे, देखो एक तो मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, मेरी मम्मी हमेशा जाती थी मेरे साथ पीटीएम पे, मेरे पापा ने आज तक पीटीएम नहीं अटेंड करी, पता नहीं क्या, मतलब ये तो तुम्हें लोगों को ना पापा जी से पूछना पड़ेगा, मेरे कभी स्कूल नहीं आते थे पीटीएम अटेंड करने, पता नहीं या तो इनको टीचर नहीं पसंद थी, मेरी टीचर पसंद होती तो आ जाते हैं, या फिर पता नहीं क्या सिस्टम था, मतलब किसी का ऐसा है कि सिर्फ मम्मी जाएंगी पीटीएम पे, और फिर मम्मियों को छोले भटूरे खिलाओ स्कूल के बाहर के, हरिओम छोले भटूरे खाएंगे।
फेमस कर रहा हूँ, भरी ओम से पैसे लेने पड़ेंगे, कट कर देना। नेक्स्ट। आप सब लोग जानते हैं आज का ये पल कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है, पूरी कॉलोनी को आपका नाज़। ये तो फैक्ट है भाई, फैक्ट है। जैसे ही मैं जल्दी उठता हूँ ना, आजकल मैं बहुत लेट उठता हूँ, तो मौसम सुहाना दिन मस्ताना है, झूमो नचो गाओ परे आओ। बट लिटरली भाई, व्हेनेवर आई वेक अप अर्ली, माय पेरेंट्स इज लाइक, पेरेंट्स आर लाइक, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, ये लौंडा हमारा जल्दी उठा है, ये किसके मम्मी पापा है कमेंट सेक्शन में बताओ। पूरी कॉलोनी सबको नाराज होगा अगर मैं 6 बजे उठ गया सुबह। ओके, मी एंड माय फ्रेंड्स ऑन 31st नाइट, तीनों ऐसे बैठे हैं। ओहो, इंडियन मतलब कितने क्रिएटर्स के आइडल्स यहाँ बैठे हैं और कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स यहाँ बैठे हैं। कैरी भाई मतलब कम से कम 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स बैठे होंगे यहाँ पर, है ना। बट आई वॉजंट दिस ऑन माई 31st नाइट, आई वॉज पार्टिंग पार्टी मी आफ्टर फाइटिंग विद माई सिस्टर, बट देन रियलाइजिंग कि मेरी स्कूल प्रोजेक्ट की हेडिंग कौन लिखेगा। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था तुम मुझसे रूठ जाओगी पोलू दीदी, मैंने सोचा नहीं था। वैसे जेन्युइन ऐसा पता कब होता था, जब मतलब ऐसे कोई इंग्लिश का ऐसे होता था ना जो मेरे को नहीं लिखा जाता था, क्योंकि मैं छोटा होता था, फिर प्रेरणा दीदी बड़ी होती थी, फिर प्रेरणा दीदी मेरे से लड़ाई कर लेती, तो फिर मैं प्रेरणा दीदी लिखाता था, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी सोचा नहीं था। फिर दीदी को मनाना पड़ता था क्योंकि भाई कौन लिखेगा इंग्लिश कितने बड़े बड़े ऐसे, ये तो इंग्लिश चैम्प थी, वी वेरी पुअर इन इंग्लिश। नेक्स्ट, व्हेन मीटअप प्लान्स आर जस्ट लिमिटेड टू चैट, झूठी उम्मीद में बड़ा मजा आता है यार। टू बी ऑनेस्ट, बीबी की वाइंस का ये ढिंडोरा का सबसे बेस्ट लाइन जो मेरे को लगी थी ना, मेरे को ये लगी थी कि ये भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब झूठी उम्मीद में ही बड़ा मजा ले लेते हैं, ये मतलब मेरी फेवरेट लाइन थी। ऐसे मैंने कितनों लोगों को लाइन मारी थी, जैसे अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक, और मतलब फेक कॉन्ट्रैक्ट था, एक्स कंपनी थी, उसने बोला कि भाई हम तुम्हें को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ठीक है, गेमिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट तो दिया नहीं, पर मैं उसको मतलब मेरे को जब भी जासूस भाई का फोन आता था कि भाई मिलेगा मिलेगा, मैंने उसको यही बात बोली, मैंने कहा भाई देख नहीं मिलेगा, बट हम मिडिल क्लास आदमी हैं, हमें ना जो मज़ा आता है ना झूठी उम्मीद का कि हाँ ये एक्स वाई कंपनी हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, वो मज़े ही अलग यार। तो दिस इज़ फैक्ट, दिस वॉज द बेस्ट लाइन एवर, मतलब सल्यूट सल्यूट जिसने लाइन लिखी ना, झूठी उम्मीद में हम मिडिल क्लास लोगों को मज़ा बड़ा आता है। डिंडोरा 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 ये तो सच बात है, बबलू जी 11 करोड़ की लॉटरी जीती और जैसे बापू जी ने बोला कि हमें इसका डिंडोरा नहीं पीटना, ए जान की दी, ओके ओके, पूरे नेबरहुड में डिंडोरा पीट दिया, मतलब पूरी स्टोरी का मतलब सार ये था कि भाई ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, ये फैक्ट है। मैंने अपने साथ नोटिस करा, एनीथिंग दैट आई अनाउंस बिफोर हैंड आई एम नेवर गोना गो डू दैट, वो कभी चीज़ होती भी नहीं, मतलब मैं अनाउंस कर देता ना भाई मेरे को ये मिलने वाला, मैं ये करने वाला हूँ, वो मेरे से जिंदगी में कभी नहीं होता। नेवर अनाउंस योर प्लान्स बिफोर यू डू इट, ये सब आप लोगों को भी एक बहुत ही अच्छी वो राय दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ज्ञानी बाबा अभिषेक पार्ट टू, ट्राइंग टू स्लीप ओवर थिंकिंग रील्स, ट्राइंग टू स्लीप बबलू जी, फिर पैंचो भाई ओवर थिंकिंग, और रील्स समीर भाई जिनके नाम है भाई मैं काली नहीं दे रहा इनके नाम है ये, पर ओवर थिंकिंग नहीं हूँ मैं इसमें, टू बी ऑनेस्ट, अब पहले मैं था ऐसा सेम, बट मी ट्राइंग टू स्लीप एंड इंस्टाग्राम रील्स पीछे से देख रहा है और उसके पीछे से यूट्यूब देख रहा है तो मैं ये वाला बनता हूँ। मी टू भुवन भाई, आफ्टर सीइंग एवरी एपिसोड ऑफ डिंडोरा एंड विद सो मच सस्पेंस, मुझे मार डालना चाहता है, ले मैं मर गया। ये तो फैक्ट है भाई, भुवन भाई ने मतलब जो प्लॉटिंग करी थी ना हर वीडियो की, वो उस हिसाब से करी थी कि मतलब हर वीडियो के एंड में सारा सस्पेंस, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि पूरा वीडियो देखो और एंड के 4-3 मिनट देखो ना, वो मतलब वो एंड के 3 मिनट बेस्ट है, मतलब मेरा भी ये पर्सनल ओपिनियन है, मतलब कि स्टार्टिंग वाला तो ठीक है पर जो लास्ट के एंड के जो मिनट आते ना वहां पर सस्पेंस इतना बढ़ा के अंदर ऐसे मतलब गुड़गुड़ हो जाती है कि भाई मेरे को तो अगला देखना ही देखना है। व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ योर रूम एंड यू सी योर रिलेटिव्स इन लिविंग रूम, ये तो फैक्ट है, ये दिस इज निश्चय भाई, टू बी ऑनेस्ट, मतलब एक टाइम था कोई भी रिलेटिव घर पे आता था, निश्चय भाई छुपके ऐसे एकदम कोने के छुप जाते थे और उसके बाद जब कोई निकल जाता था ना फिर तभी निकलते थे बाहर एंड के 2 काजू की बर्फी खाने के लिए। भाई बर्थडे की ट्रीट कब देगा भाई, तुम सब हो कौन,
ये तो फैक्ट है, ये सारे मेरे दोस्त है कंजूस मक्खी चूस, जैसे ही बर्थडे के नाम पे पार्टी देने आते, तुम सब हो कौन भाई, तुम कौन हो, हम तो तुम्हें जानते नहीं। यही होते हैं दोस्त, ऐसे होते हैं भाई, बर्थडे की ट्रीट कब देगा, तुम सब हो कौन, भूल गए भाई। ऑन माई एग्जाम रिजल्ट डे रिश्तेदार से बच कर रहे चौकन्ने रहे। फैक्ट ब्रो, फैक्ट ब्रो, ये तो लगे फैक्ट ब्रो, मैं हूँ जी मिल, तू तो लगे फैक्ट ब्रो। अब से मैं दिन रात पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा और घर वालों का नाम रोशन करूंगा। फोन ये बहुत अच्छा था भाई, ये बेस्ट था। अब से मैं दिन रात पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, घर वालों का नाम रोशन करूंगा। फोन टू बी औकात में रहो। लड़की बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो पुराने लेजेंडरी गानों का रीमिक्स बना के उन्हें खराब कर देते हैं। बॉलीवुड लोफाई लुफाई लुफाई, ये तो फैक्ट है भाई। नहीं मतलब पुराने लेजेंडरी गानों का इस्तेमाल नहीं, कबूतर जा 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 जा, ये तो एंडिंग सीन ही था भाई। तो मतलब ये भी कह रहा है जाओ भाई जाओ, कोई और वीडियो देखो, अब तुमने बहुत फुकरा इंसान देख लिया, बड़ी देर से देख रहे हो, तो देख ही रहे हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आई लव यू गाइस सो मच। अगर अच्छा लग रहा है मीम रिएक्शन तो डू कमेंट डाउन विद अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।